Ibsen, Helmholtz, equation. This equation is based upon temperature, heat, and enthalpy and pressure. सारे के सारे जितने भी रिएक्शन होते हैं वो सब किस पे बेस्ड होते हैं, उसके टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, फिर या तो फिर उसकी इंथैल्पी कितनी है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम, सारे के सारे इसी पे। जितना ज़्यादा हम उसको जितने जल्दी टेम्परेचर देंगे उतना ज़्यादा उसका रेट बढ़ेगा, ठीक है। इसी टर्म्स में हमने जो ये इक्वेशन जो है वो निकालनी है। अब मान लो हमने फर्स्ट में हमने निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ फ्री इनर्जी एंड इंथैल्पी। फ्रेंड्स, इंथैल्पी एंड इनर्जी एक ही है। जब कोई दो रिएक्शन सॉरी दो दो चीज़ मिलके एक क्या बना रही है, प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, तो इसका मतलब कोई ना कोई एनर्जी या तो लूज़ हो रही है या तो हम उसको दे रहे हैं, ठीक है, या तो वो गेन कर रही है एनर्जी या तो फिर लूज़ कर रही है, ठीक है। तो जो लूज़ करती है, गेन करती है, वही इंथैल्पी कहलाती है, वही एनर्जी इंथैल्पी कहलाती है। तो हमें पता है कि वी हैव जी इक्वल्स टू क्या होता है, एच माइनस टी एस, ठीक है जी। ये इक्वेशन अगर हमें याद हो गई तो हमें पूरी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और हमें पता है कि हीट बराबर क्या होता है, ई प्लस पी वी, ठीक है, यानी कि जितनी एनर्जी हम उसको देंगे उतना ज़्यादा उसका प्रेशर होगा और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब एच और इन में यही संबंध है। हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर हम किसी भी चीज़ को प्रेशर देंगे उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, तो हीट भी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो इसका ये रिएक्शन में ये इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो ई प्लस पी वी, एच की जगह में रख देंगे, माइनस का टी एस हो गया। अब क्या रखेंगे स्मॉल अमाउंट के लिए, हम क्या लिख देते हैं, हमेशा डी लगा देते हैं, डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, ठीक है, माइनस टी डी एस माइनस एस टी डी। ये कैसे आया, यहाँ पे हम पहले इसको कर लेते हैं, जी इक्वल्स टू ई, हमने क्या कर रखा है कि छोटे अमाउंट के लिए डी ई प्लस डी पी वी माइनस डी टी एस, ठीक है। इसका पहले इसका इन दोनों से इंटू किया, ठीक है, फिर इसका इन दोनों से, इस तरीके से ये आया हमारा इक्वेशन। और हमें पता है कि Q रिवर्सिबल बराबर क्या होता है, डी ई प्लस पी डी वी, ओके, हमें इतना पता है। और हमें पता है कि कोई भी रिवर्सिबल हीट होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को टेम्परेचर देते हैं उतना ज़्यादा उसकी इंथैल्पी इंक्रीज करती है। हमें पता है कि इंथैल्पी क्या, डिसऑर्डरनेस है, तो टेम्परेचर देंगे तो सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों पे ये रिलेशन हो गया, तो ये क्यू रिवर्सिबल, ये क्यू रिवर्सिबल, ये, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर में लिख देंगे, डी ई प्लस पी डी वी बराबर क्या हो गया, टी डी एस, ठीक है। जितने भी जगह अभी होगा इसका मान हमने टी डी एस रख दिया। अब मान लो हमने एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्रेशर हमने क्या कर रखा है, अब कॉन्स्टेंट रख रखा है, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ पे हमारा डी पी है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब क्या हो गया, डी जी इक्वल टू क्या हो गया, ये ज़ीरो हो गया, और इसका मान कितना है, टी डी एस, ठीक है, टी डी एस माइन टी डी एस से टी डी एस कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, सिर्फ एस टी डी, एस टी डी लिखो चाहे एस डी टी लिखो, ठीक है। हमें पता है कि ये दोनों कैंसिल हुए ना, ये यहाँ पर ये आया और ये आया, प्लस माइनस कैंसिल, और अब की सिर्फ क्या बचा है, एस टी डी, वो यहाँ आ गया। तो फॉर टू डिफरेंट स्टेट, मान लो दो डिफरेंट स्टेट है, एक हमने आइसोथर्मल से किया, एक एडियाबेटिक से कर रखा है, ठीक है। तो डी जी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का एस वन डी टी, डी जी टू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एस टू डी टी। तो क्या हो गया, डी जी टू माइनस डी जी वन, हम किसी का भी अंतर निकालें, मान लो एडियाबेटिक और हमने आइसोथर्मल का अंतर निकाला, तो हम इसे माइनस करते हैं, हमें पता है किसी भी चीज़ का अंतर निकालने के लिए, तो डी टी माइनस एस वन डी टी, ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दिया। अब डी टी डी टी क्या है, इन दोनों में कॉमन है, उन दोनों को हम क्या कर लेंगे, बाहर ले आएंगे,
क्या हुआ एस टू माइनस एस वन और ये क्या रहा डी टी कॉमन आ गया। और हमें पता है कि किसी भी चीज का अंतर हम किससे दर्शाते हैं उसको डेल्टा से, ठीक है, किसी भी चीज का अंतर है उसको हम किससे दर्शाएंगे डेल्टा से, तो डेल्टा एस डी टी, किसी भी चीज का अंतर निकालना हो तो हम उसको डेल्टा से, ये दोनों का अंतर है तो डेल्टा हो गया यहाँ पे। अब क्या है टी जी टू माइनस जी वन आ गया और ये इतना आ गया। अब डी जी टू माइनस जी वन, ठीक है, ये डी क्यों आया क्योंकि दोनों यहाँ पे कॉमन थे डी डी, तो हमने डी बाहर लिख दिया। अब क्या हुआ डेल्टा एस डी टी, ठीक हो गया, इतना हो गया, देखिए हो गया, इतना क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम इस, हमें पता है कि किसी भी चीज़ का अंतर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे उसको डेल्टा से डिनोट करेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए क्या क्या था, डी डी डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का डेल्टा एस डी टी, ठीक हो गया, समझ में, इतना हुआ, ठीक है। अब क्या होगा डी डेल जी, ठीक है, बराबर इतना था बराबर माइनस डेल एस डी टी। अब क्या करेंगे हम डी टी को इसके अपॉन में ले आएंगे, तो डी डी टी डेल्टा जी, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का डेल एस। अब हमने शुरू में ही यहाँ पे जो था ये जी बराबर क्या लिखा था हमने एच माइनस टी एस, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने डेल के लिए निकाल लगा, छोटे चीज के लिए निकाल लगा, तो डेल कोई भी चीज़ होती है पहले हम किसी का भी कैलकुलेशन करते हैं पहले हम छोटे के लिए निकालते हैं, तो माइनस टी डेल एस, ठीक है, तो माइनस डेल एस बराबर कितना हो गया डेल जी माइनस डेल एच अपॉन टी। तो हम यहाँ पे जो डेल एस है उसकी जगह में इतना पुट कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे डी डी टी डेल जी बराबर कितना आ गया डेल जी, क्योंकि डेल एस की जगह में क्या लिखा है हमने डेल जी माइनस डेल एच अपॉन टी, ठीक हो गया। अब क्या होगा हमने डेल जी निकालना है, हमें क्या निकालनी है गिब्स हेल्महोल्ट्ज निकालनी है, तो हमने डेल जी निकालना है, तो डेल जी माइनस डेल एच बराबर टी डी टी, सॉरी डी अपॉन डी टी, ये था ना, इतना आ जाएगा डेल जी नीचे प्रेशर, हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा था, जो चीज़ कांस्टेंट रखी जाएगी वो हमेशा बेस में आएगी, ठीक है, तो हमारी क्या बन गई है डेल जी बराबर डेल एच, हमने क्या निकालना है डेल जी निकालना है, इसको यहाँ लेंगे माइनस का प्लस में चला जाएगा प्लस टी डी डी टी डेल जी प्रेशर कांस्टेंट। तो ये क्या है गिब्स हेल्महोल्ट्ज, ये कौन सी रिएक्शन हो इक्वेशन हो गई गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। थैंक यू।